जो आपको रिप्लाई ना दे, तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करें? मतलब कि कोई भी इंसान है, आपका पार्टनर, लड़का लड़की, आपका फ्रेंड, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, कोई भी पर्सन आपको वो ना आपके मैसेज का, आपके कॉल का रिप्लाई नहीं देता है, तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? वेलकम बैक, स्वागत है आप सभी का मेरे नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो आपको रिप्लाई ना दे, तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करें? मतलब कि कोई भी इंसान है, आपका पार्टनर, लड़का लड़की, आपका फ्रेंड, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, कोई भी पर्सन आपको वो ना आपके मैसेज का, आपके कॉल का रिप्लाई नहीं देता है, तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? ये वीडियो ना आपके लिए है, कमाल की वीडियो है। इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो यार, बहुत सारे लोग हमें मैसेज करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं कि सर, जो मेरा पार्टनर है, जो लड़का है, जो लड़की है, वो हमें रिप्लाई नहीं दे रहा है, नहीं दे रही है, हम क्या करें? तो देखो यार, सिंपल इसका एक जवाब है कि अगर कोई इंसान बार बार तुम्हारे कॉल मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहा है, तुम्हें कॉल नहीं कर रहा है, मैसेज नहीं कर रहा है, आपके मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है, आपने उसको मैसेज किया, कॉल किया, है ना, वो इंसान सीन करके छोड़ दे रहा है, तो उसको दोबारा मैसेज या कॉल मत करना। जब भी कोई इंसान आपको रिप्लाई नहीं देता है ना, तो वो जानबूझ के रिप्लाई नहीं देता है, है ना, और आप उसको बार बार कॉल कर दे रहे हो, मैसेज कर दे रहे हो, बार बार आप उस तक पहुंच रहे हो, तो सामने वाला इंसान आपको टेकिंग फॉर ग्रांटेड ले लिया, उसको ही लगने लगा कि अरे ये इंसान कहाँ जाएगा, ये कहाँ जाएगी, इसको इग्नोर करो। समझ रहे हो इस चीज़ को? यानी कि वो इंसान आपको इनडायरेक्टली ना लाइटली ले रहा है, हल्का में ले रहा है, आपकी वो इंसान कदर नहीं कर रहा है, आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है। क्योंकि जो इंसान ना किसी को रिस्पेक्ट देगा ना, एक बार उसे कॉल करके देखो, एक बार उसे मैसेज करके देखो, फटाक से वो इंसान रिप्लाई देगा। और अगर किसी रीजन के वजह से वो इंसान उस समय अवेलेबल नहीं है जिस समय आप उसको कॉल किए, मैसेज किए, तो जब वो देखेगा उस समय तो एटलीस्ट रिप्लाई देना चाहिए ना, कि उसको छोड़ देना चाहिए। मैं सिर्फ एक लाइन में बोलता हूँ कि जो इंसान आपको सीरियस नहीं ले रहा है, इसीलिए वो इंसान आपके कॉल या मैसेज का रिप्लाई नहीं देता है, इसके सिवा दूसरा कोई बात नहीं है। आप खुद सोच के देखो, आपको जब सामने वाला पर्सन कॉल करता है, मैसेज करता है, आप उसको कैसे तुरंत इंस्टेंट रिप्लाई देते हो? समझ रहे हो? क्योंकि आप ना सामने वाला इंसान के लिए सीरियस हो, आपके दिल में ना सामने वाला पर्सन के लिए रिस्पेक्ट है, सम्मान है, कदर करते हो आप उसकी, इसलिए आप तुरंत रिप्लाई दे देते हो। ऐसा नहीं है यार कि आप सामने वाले इंसान से डर रहे हो, आप 24 घंटा फ्री रह रहे हो, आपको कोई काम धंधा नहीं है, नहीं यार, आप लाख बिजी होने के बावजूद भी सामने वाला पर्सन को तुरंत रिप्लाई देते हो, तुरंत उसका कॉल का, मैसेज का, है ना, रिप्लाई दे रहे हो, उससे बात कर रहे हो, क्योंकि आप ना उसके लिए सीरियस हो, और ये चीज़ सामने वाला इंसान नहीं कर रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में जब कोई आपको रिप्लाई नहीं दे, तो मत दोबारा उसे कॉल या मैसेज करो। अपनी रिस्पेक्ट करना सीखो, अपनी वैल्यू करना सीखो, अपनी कदर करना सीखो यार। आपकी सबसे बड़ी गलती यही है, और बहुत सारे लोगों की गलती यही होती है कि वो ना अपनी रिस्पेक्ट नहीं करते, अपनी कदर नहीं करते, वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को डाउन करके बार बार सामने वाला पर्सन को कॉल किए जा रहे हैं, मैसेज किए जा रहे हैं, उसको कांटेक्ट किए जा रहे हैं, हाय हेलो, क्यों नहीं कॉल कर रही हो, क्यों नहीं हमें मैसेज कर रही हो, क्या बात है, गुस्सा हो, वो इंसान छोड़ दे रहा है, इग्नोर कर दे रहा है। आप 10 मैसेज 20 मैसेज कर दिए, उधर से एक मैसेज आया, साफ है कि वो इंसान आपसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है, और जो इंसान आपसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है, उसको कभी दोबारा कांटेक्ट नहीं करना चाहिए, किसी भी कीमत पे यार। इसलिए आज से ही अगर कोई पर्सन आपको ऐसा दिखे, आपकी लाइफ में कोई पर्सन है जो आपको इग्नोर करता है, आपको रिप्लाई नहीं देता, आपके कॉल मैसेज को देख के भी नज़रअंदाज कर देता है, उस पर्सन को आज के बाद, इस वीडियो ख़त्म होने के बाद, कभी दोबारा कॉल या मैसेज मत करना। तब उस इंसान को रियलाइज़ होगा आपकी वैल्यू, तब उसको ना आपकी कीमत का एहसास होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिए, जितने आपके दोस्त यार फ्रेंड हैं उनको ये वीडियो ज़रूर दिखाइए। ठीक है, किसी के साथ ऐसा हो रहा है उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर करो यार। ठीक है, और अगर आपके लाइफ से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम जिसको फेस कर रहे हो, तो मेरे चैनल पर हर एक टॉपिक पर वीडियो अवेलेबल जा रहा, आप उसको देखो, उससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, तो फिर आज के लिए नहीं, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।